गाना पहनाना शाम के इस समय 6:30 बज चुके हैं। मतगणना यहाँ पर काफी तेजी से जारी है, लगभग 14 से 15 काउंटिंग हो चुकी है, राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब रीवा की 8 सीटों में इस समय भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वोटों से आगे है। अगर बात की जाए मनगवा की, तो मनगवा में पंचूलाल प्रजापति 44,156 वोट पाकर कांग्रेस के 3,269 वोट पाने वाले प्रत्याशी कविता से लगभग 14,000 मतों से आगे चल रहे हैं। माना जा सकता है अब इतनी लीड कवर पर कर पाना कांग्रेस की बबीता साकेत के लिए काफी मुश्किल होगा। बात की जाए मऊगंज की, तो मऊगंज में कांग्रेस के प्रदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल 28,984 मतों से पाकर बीएसपी के 19,731 पद पाने वाले नगेन से और 19,358 मत पाने वाले सुखेन सिंह बन्ना से, जो वहां पर कांग्रेस के अभी वर्तमान में विधायक थे, लगभग 8,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्याम लाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। श्याम लाल 33,989 मतों पाकर कांग्रेस के रमाशंकर से 31,618 मत रमाशंकर के हैं, इसलिए लगभग माना जा सकता है 2,000 मतों से श्यामलाल आगे चल रहे हैं। बात की जाए देवतालाब की, तो देवतालाब से गिरीश गौतम लगातार चौथी बार विधायक बनने की दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं, 29,251 मत वो पा चुके हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के 1260 सीमा जयवीर सिंह 28,052 मतों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही है। गिरीश गौतम यहां से लगभग 11,000 मतों से आगे है। बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी यहां 20,880 मत पाकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। बात की जाए गुड़ की, तो गुड़मर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार 28,920 मत पाकर लगभग 6,000 मतों से कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी से 22,382 मतों के जिन्हें प्राप्त हुए हैं, 6,000 मतों से आगे हैं। वहां पर बात की जाए सपा के उम्मीदवार, तो सपा के उम्मीदवार 20,017 मत पाकर तीसरे स्थान पर, बीएसपी के साथ 17,400 मत पाकर चौथे स्थान पर हैं। बात की जाए रीवा की, रीवा सीट पर सबकी निगाह थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र शुक्ल चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, चौथी बार वो जीत के कगार पर भी लगभग ऐसा दिखाई दे रहा। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ राजेंद्र शुक्ला 32,678 मत, अभय मिश्रा 24,662 मत। माना जा सकता है 8,000 मतों से कांग्रेस के अभय मिश्रा यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। बात की जाए सिरमौर की, तो सिरमौर में दिवराज सिंह 25,525 मत के साथ कांग्रेस की अरुणा तिवारी 8,477 मत पाने वाले से लगभग 7,000 मतों से आगे चल रहे हैं। बात की जाए सिमरिया की, तो सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी 40,949 मतों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए, यहां कांग्रेस के 33,875 मत, वहीं बीएसपी के 31,683 मतों के साथ तीसरे बंका सिंह तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। माना जा सकता है रीवा की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 1,000 से लेके 8,000 मतों की लीड बना चुके हैं। कहा जा सकता है कि अब ये लीड दूसरे प्रत्याशियों को पार पाना काफी मुश्किल होगा। अंतिम रूप से हम अंतिम घोषणा निश्चित रूप से मतदान गणना समाप्त होने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि कौन जीत रहा है, कौन है जीत रहा है। लगभग अभी के जो परिणाम इस जिस और इशारा कर रहे हैं, रीवा की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद, नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। जैसा कि आपको मालूम है इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना काफी तेजी से चल रही है, यहाँ पर 8 विधानसभा के मतों की गिनती चालू हो रही है। मैं आपको बता दूं गुड़ विधानसभा क्षेत्र का हाल, गुड़ विधानसभा में सबकी नजर थी, यहाँ पर चारों पार्टियां बराबर के अपना दम लगाए हुए थी। यहाँ पर सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए थी, भारतीय जनता पार्टी अभी 330,344 मतों के साथ सबसे आगे है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 23,240 मतों के साथ
कांग्रेस अब तीसरे नंबर पर चली गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बहुजन 18,403 मतों के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात जो नजर आ रही है वो है समाजवादी पार्टी के कपिध्वज सिंह के साथ। मैं आपको बता दूं कुंवर कपिध्वज सिंह इस समय पिछले चुनाव में 25,000 निर्दलीय मतों के साथ होते, इस बार उन्होंने सपा के साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा था, इस समय वो दूसरे स्थान पर थे। 25,973 मतों के साथ इस समय वो दूसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर मतों का आंकड़ा लगभग 4,000 के आसपास आके सिमट गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं सुबह से जो रुझान आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी जो पकड़ बनाए हुए थी, कहा जा रहा था रायपुर करचुलियान और गुड़ क्षेत्र के मतों की गिनती चालू है। अब माना जा रहा है इस समय गोविंदगढ़ क्षेत्र की गिनती चालू है। गोविंदगढ़ क्षेत्र की गिनती चालू होने से कपिध्वज सिंह की ये बढ़त दिखाई दे रही है। अगर ये बढ़त इसी तरीके से बरकरार रही तो इस बार निश्चित रूप से गुड़ विधानसभा हो सकता कोई चौंकाने वाला परिणाम दे दे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर जिसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है रीवा दर्शन की पहचान।